बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता। मेरी मम्मी है, उनके कोई रिश्तेदार थे नैरोबी में, तो उनके लड़के का नाम नैरोबी में डायमंड था, और वो डायमंड ने कुछ हमारे कौम में से लोगों को, बहुत से लोगों को उन्होंने अफ्रीका में बुलाया, और बहुत ही मतलब खराब पोजीशन में वो यहाँ से उसने छोड़ा था, और उसके बाद वो बहुत सुखी हुआ, तो उसका नाम डायमंड था। तो मेरी मम्मी और पापा का खास कहना था कि जब मेरी शादी होगी और जब मेरे यहाँ लड़का होगा तो उसका नाम डायमंड रखेंगे। पहले ऐसे कोई छोटा बच्चा नहीं था उसके पहले इस फैमिली में, इसलिए उसको दादा दादी को बहुत भी प्यारा था, मम्मी पापा को, और जिस दादा ने उसको जो प्यार दिया है वो बाद में तीन बच्चे पैदा हुए वो किसी को नहीं मिला जितना डायमंड को मिला है। बहुत खुशी थी सब जन को, क्योंकि 20 साल के बाद हमारे घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा आया था, तो कोई उसको नीचे रखते नहीं थे, सब हाथ में पकड़ के डायमंड 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 डायमंड। मतलब मेरे लड़का ये जब भी बॉर्न हुआ तभी फर्स्ट टाइम मैंने ही उठाई थी उसको, क्योंकि पहले मैं बहुत बीमार थी ना, तो जब भी डायमंड ने मेरा बहुत मेरे को हेल्प करता था, घर के अंदर सब भाजी ला के देता था, खाना पकाने में मदद करता था, घर की साफ सफाई रखता था, फिर मेरे को दवाई देने का, मेरे साथ दवा खाने में आने का, उधर हॉस्पिटल में भी मेरे साथ रहता था, कि कोई मेहमान आएगा ना उसको भी सब पानी देने का, कुछ पूछने का, वो बहुत अच्छा से कर। और सब जन मेरे को यही बोलते थे कि तुमने ना भगवान ने लड़की नहीं दी लेकिन एक लड़का जैसा, मतलब वो लड़की के जैसा है तुम्हारा, ऐसा हाँ कमी पूरी कर दी है। मतलब डायमंड जो है वो हमारे पूरे फैमिली में देखो तो सबसे, बोले तो सबसे प्यारा लड़का था, सबसे अभी भी प्यारा। मतलब डायमंड जो बोल देवे वो होना ही होना। मुझे मेरा हीरा से भी ज्यादा डायमंड अच्छा दिखता है, तो डायमंड का भी यही था कि मैं बड़ा होकर मेरे पापा जैसा बनूंगा। अप्रैल 2011 को मंगनी हुई, उसके बाद हमारे घर में रीमा का रेगुलर आना जाना हुआ, क्योंकि बस एक ही है लड़की रीमा है, और हर टाइम जब घर में आती थी तो हमें एक नई खुशी मिलती थी। ऐसा ध्यान से देखेंगे दोनों एज अ कपल तरीके, तो उन लोगों का मतलब फेस भी ऐसा लगता है कि एकदम ध्यान से देखेंगे तो राउंडेड है, दोनों का शेप का फेस भी दोनों का ऐसा मिलके आता है करके, उन लोगों की हाइट भी मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि एकदम लंबा है कोई एकदम छोटा है, ऐसा कुछ नहीं, उन लोगों का एकदम अच्छा लगता है, मतलब ऐसा जोड़ी जाती है तो भी ऐसा लगता है कि नहीं करके अच्छी है करके। Love can make your whole world fall apart, but I want it now. Just wanna spend my life with you. Time will show me how. Suddenly everything has turned me inside out. Suddenly love's a thing that I can't live without. My dream, my love, my life. I just wanna spend my life with you. You're the one that makes me smile. I just wanna spend my life with you. Gotta love somehow. You can show me how. Suppose मुझे उसकी फ्रेंड से पता चला था कि रीमा likes me. Then being a guy, I did not waste any time. She said yes. Of course, वो लड़की है तो उसने बोला कि मुझे दो दिन सोचने का टाइम चाहिए, इसमें मेरी लाइफ का सवाल है and all and all. I said okay, not a problem. Then 3rd of December, she said yes. अखियाँ करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए।
फाइव ईयर्स डाउन द लाइन फ्रॉम टुडे आई हैव सेड द के उसको भी मैंने बताया था कि यार रीमा विल बी फ्रेंड्स फॉरएवर आई गेस राइट एंड शायद दो तीन साल पहले कुछ हम लोग साथ में आए भी ट्वाइट थिंग्स वर्कड आउट फॉर अस द थिंग इज के उस वक्त जब मैं और रीमा ऑलमोस्ट उसी वर्च पे थे जब हम लोग वीवो का राइट The thing was that we had some family issues. Okay, this was a love marriage. We even had issues between us. Okay, कुछ हम लोग झगड़ा भी काफी करते थे. At that point of time, we felt कि नहीं चलो ठीक है अलग हो जाओ. 2 years from now on. Then I went to Africa. Okay, कुछ हमारा function था वहाँ पे. Related to religion. हमारे जो गुरुजी आए हैं वो आए थे वहाँ पे हसन मामा आए थे. Then I felt really sick. मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया वहाँ पे आई लाइक आई वॉज हैविंग जॉन्डिस ओवर देयर ओके एंड अफ्रीका इज अ प्लेस वाई यू कैन नॉट डायग्नोस डिजीजेस ईजीली ओके देयर इज नो काइंड ऑफ रिसोर्सेज मेडिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव बट इफ यू बाय टू डिस्पेंस दे विल कॉस्ट यू अराउंड 800 bucks ओके सो एट दैट एट देयर आई मीन लाइक 5 days फॉर मी वर लाइक टेरिबल एंड देन व्हेन आई केम बैक आई रिमेंबर माय फ्लाइट वाज अराउंड 12 इन द नाइट I landed here in India at 5:30. 8:30 I reached home. At 11:30 I was hospital. So मैंने कुछ photos अपने इस तरीके से खींच के hospital में मैंने Facebook पे डाले थे. So she went into my profile. She saw my photos मैं जो hospital में जो मेरे photos मैंने निकाले थे वो photos उन्होंने देखे and she started crying and she tried to contact me but एक दो दिन तक कोशिश करती रही नहीं मिले. And the third day, when I landed in India, I was hospitalized. The third day was my birthday. So, we met. फिर उसके बाद में हम लोग ने बातचीत शुरू की है. डायमंड वो सब कोई भी चीज़ उसको कुछ भी लेना है या तो कुछ करना है तो पहले मेरे पास ही आएंगे. उसके पापा के पास नहीं जाएगा कि चाचा मेरे को ये करना है. तो फिर मैं उसको फिर सोचता हूँ कि अभी डायमंड तेरे जब टाइम मिलेगा मैं पापा से बात करके उन आगे बात करते तो उसको पहले रीमा जो है ना वो मेरे सामने के फ्लैट में रहती थी. छोटी बड़ी मेरे सामने के फ्लैट में हुई तो डायमंड और रीमा वो जमात खान हम लोग को एक कमेटी के अंदर उसको दोनों को साथ में सेवा करते थे. एक ही टेबल पे दोनों बैठते थे. उसमें दोनों का सबको मालूम पड़े कि डायमंड रीमा का चक्कर चल रहा है. लेकिन वो उसका रीमा का जो बाप है ना वो एक नहीं ऐसा समझा क्या. तो फिर मैं बोला अभी जब वक्त आएगा अभी डायमंड का पहले अपन घर में नक्की करें कि डायमंड की शादी करना है तभी उसके बाप से जाके मैं बात करूँ. ऐसे तो लोग दोनों घूमते ही थे सब पूरे दुनिया को मानोगे डायमंड में दोनों घूम रहे. लेकिन उसके बाप को मतलब थोड़ी बात थी लेकिन वो ठंडे दिमाग से बैठा था क्योंकि कुछ मैं बोलूँगा तो मैं जमात खाने का मुखी साहब था समझा कि तो मेरे सामने उसको बोलना नहीं बोलना उसको ये नहीं दिखता था. नाच भाई को पूछा मैं बड़े भाई को बोला कि अभी डायमंड का अपने को बात करना है. बोले वो क्या बोलता है अभी ये तो ऐसी बात है कि अगर आप ढूंढ के लेके आओ तो मैं ढूंढ के लेके आओ तो बात तो एक ही है. आफ्टर का कहना तो मुझे ही है ना समझो. तो क्यों नहीं मेरी चॉइस भाई. शी इज़ अ नाइस गर्ल शी बिलोंग्स टू वेरी नाइस फैमिली अपने कास्ट मतलब लाइक हमारे जो ये हैं उसमें भी वही रिलीजन की है. सो आपको प्रॉब्लम क्या एंड शी ऑल्सो एजुकेटेड सो तो दे थॉट ऑन इट. कोई भी नॉर्मल पेरेंट टाइम लेगा सोशल मीडिया थॉट ऑन इट. मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए. मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए. मेरे एक दोस्त है मुंजनिस के ना के राणा इलोटन के सामने वो मेरा खास दोस्त है. उस टाइम पे मेरे बाद में जमात खाने का मुखी साहब वो बना था. मैं और सिराज भाई जो है ना हम लोग 7 साल थे साथ में. 2002 से 2009 तक मैं और सिराज भाई दोनों साथ में थे जमात खाने. मैं मुखी साहब था जिसके सिराज भाई कामरे साहब थे. हम लोग 7 साल तक साथ में घूमे. फिर मेरे बाद में जो मुनिस वाले हैं जमात खाने में वो मुखी साहब बने. तो उस टाइम पे रीमा का जो भी अभी नक्की करने का था तो मुनिस वाले मुखी साहब थे. तो उनको मैं मुनिस वाले मुखी साहब को रीमा के डैडी के पास लेके गया. तो उनको मैंने बात किया कि राजेश भाई ऐसा ऐसा है कि आपकी जो रीमा है और हमारा डायमंड है वो दोनों को एक दूसरे को चाहते हैं और आपको भी मालूम है क्या पूरी दुनिया को भी मालूम है. तो क्या उससे क्या होता है मतलब उससे कुछ होता नहीं है. एक दूसरे उसको पसंद करते हैं तो अपना फ़र्ज बनता है बड़े होने के नाते एक दूसरे को जो उसका है लव है तो उसको अपन शादी में उसको रिश्ते में बदली करे. बोले मैं सोचता हूँ बोले मैं कभी तुम सोचोगे. तो बोले मैं घर में बात करता हूँ. मैं ठीक है पूछो घर में पूछो.
फिर एक दिन दो तीन दिन टाइम दिया उसको मैंने, किसी दिन उसके सामने से फोन आया रीमा के बाप का कि मुकेश भाई आपने जो बोले थे मेरे को रिश्ता मंजूर। मैं वेट कर रहा हूँ मोमेंट्स का जब वो मेरे साथ। रीमा लाइक जब वो घर पे आती है ना तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वो डैड को देती है, क्योंकि डैड इज़ व्हाट यू नो डैड ऑलवेज वॉन्टेड अ गर्ल एंड उसको कोई माई मॉम डैड डजंट हैव आई डोंट हैव अ सिस्टर मेरे मॉम डैड दोनों। सो व्हेन दे सी रीमा दे फील के मेरी बेटी आई। ओके सो व्हेन रीमा कम्स इनटू प्लेस शी विल नॉट बी अ दैट बहू का ऐसा जो फीलिंग है वो नहीं होगा। मोर ऑफ इट आई फील लाइक के स्टार्टिंग में जब होगा तब वो बहू वाला ही फीलिंग होगा, बट आफ्टर दैट व्हाट आई फील इज के वो बेटी बन के ही रहेगी। वो घर पे आती थी ना बहुत अच्छे से सबसे बात करती थी, फिर ऐसा मम्मी पापा ऐसा ही कर रहे थे उसको, वो माँ बाप की उसकी इकलौती लड़की हुई तो उसको वो बोलती थी अभी मम्मी आप मेरी माँ हो पापा मेरे डैडी है ऐसा, वो मेरे को कुछ भी काम रहता था तो मैं उसको बुलाती थी तो एक से भाग के आती थी वो, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कभी भी मेरे को ज़रूरत रहती थी ना वो आती थी, और घर के अंदर वो एक दिन भी नहीं आवे ना तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता था कि आज वो रीमा क्यों नहीं आई। जब रीमा का नाम आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने मेरे घर पे एक और लड़की दी। As of now, top of the world, like ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग मेरे पीछे ही है, I'm feeling like a superstar right now. फरवरी का महीना था और वैलेंटाइन डे कुछ आ रहा था तो डायमंड ने फिर वैलेंटाइन डे को फिर अपन उसको मतलब उसके घर पे मुंह मिठा करके शादी का तैयारी मतलब पहला उससे वहाँ से तैयारी किया था मैंने रिश्ता तैयार किया। बहुत ही अच्छा हम लोग उसको मतलब खुशी के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। शादी का तो इतना शौक था ना, मैं डायमंड को 3 साल से पीछे पड़ी थी, डायमंड तो शादी कर ले। ड्रीम था कि उसको वहाँ पे ही शादी करना है, बट फिर बारिश की वजह से लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन डैड टोल्ड कि विल डू इट, नथिंग विल हैपन। मई जून के बाद हम लोगों ने डेट निकाला तो सब बारिश, और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही बारिश गिरा है, तो बारिश की वजह से हम लोग सोचे कि 12 अक्टूबर फिर अच्छा रहेगा, और अक्टूबर महीने में हमेशा बारिश नहीं होती है करके हम लोग ने ये डेट लिया। और उसके बाद जब डेट लेने के बाद सब ग्राउंड वगैरह सब बुक किया, उसके बाद जो बारिश गिरा उसमें हमारे बहुत अच्छे एक फैमिली मेम्बर से सिराज कमाल करके उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और जब लास्ट 2 दिन पहले रात को बारिश गिरी तो जिस तरह से हमारी फैमिली परेशान थी उसी तरह से वो भी बहुत परेशान थे, उन्होंने रात भर सब लोगों का कांटेक्ट करके सब जगह पे माटी डाला ग्राउंड तैयार करने के लिए, और पूरा काम वो मेरी तरफ से देख रहे खून के साथ। मेरा खास खाली एक दोस्ती का रिलेशन है और फैमिली रिलेशन जैसा है उनके, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। देखते के साथ मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की मेरे घर में आएगी तो मेरे घर की शोभा और बढ़ेगी। सब मिलाते बातचीत करते, चाची याली मदद ऐसा मिलती बात करती हमारे से, ऐसा खड़ी रहेंगी कैसी तबीयत ऐसी पूछती रहती है, और हमारे सामने जो रहती थी हम लोग उसको पहले से जानते, डायमंड से ज्यादा हम लोग जानते थे उसको। वो स्वीट छोड़ी लग रही दोनों की। रीमा के साथ जब मैंने फर्स्ट टाइम बात किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे घर के लायक लड़की है, और दूसरा जो मेरा डायमंड है वो उसका डिसीजन बहुत ही अच्छा होता है, हमेशा उसका डिसीजन हमेशा अच्छा ही होता है, वो आज का जवाब आज नहीं देगा लेकिन 2 दिन के बाद देगा तो अच्छा ही जवाब देगा।
बहुत याद आता है। डायमंड जब नहीं रहता है घर में तो हम लोग उसको बहुत मिस करते हैं, और जब गुस्से में होता है तभी मैं उसको बहुत छेड़ता हूँ, बहुत मजाक करने जाता हूँ, उसको वापस उसका मूड बनाने की कोशिश करता हूँ। और जब वो मुझे भगा देता है, अभी तुम जाओ, मुझे तुम्हारे से बात नहीं करनी है, फिर 10-15 मिनट के बाद आता है मेरे पास, पापा सॉरी, ऐसा गले मिल जाता है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। घर में कोई भी मतलब टेंशन वाला माहौल हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसमें सारे घर वाले टेंशन में, तो डायमंड आता है तो उसको सोल्व कर देगा, एक ही मिनट में सोल्व कर देगा, किसी भी कुछ भी करके सबको हंसाएगा, वो पक्की बात। चालक हम लोग से कम लेकिन है नहीं, हम लोग तो इतनी खुशी है क्योंकि डायमंड हमारे घर में 3 भाई में बड़ा बेटा है, तो हम लोग को इतनी खुशी होती है कि जल्दी से बहू घर पे आवे और बच्चा खुश रहे, दोनों की जोड़ी खुदा सलामत रखे, सब दुनिया का सुख मिले बच्चे लोग को। बहुत अच्छा माहौल है, मेरे सब बहन, मेरी बहनें मेरे गांव में, मेरे साले और मेरी साली है और मेरा साहू वगैरह सब लोग गाँव से आए हैं, और वो लोग 3 दिन से बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। घनघोर जर चहु और मारु मा मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे। मेरे साथ और मेरे को बहुत अच्छा लगा, कपल डांस में मेरे कभी डांस नहीं करता, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि डांस किया। मधुरा मधुरा मलकाई ने मेडा, मैं सुने सुबात करे, गगने गगने घुमराई ने पागा, फुल कट गयो पथराई सारी बनराई परे, बोलो मेघ आशा दिलो आज मारा, बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है अपनी लाइफ में, जिससे प्यार करो, उससे शादी करो और घर वालों की खुशी से शादी करो, ये उससे भी कम लोगों को मिलता है। सो आई एम द लकी वन हु गॉट एवरीथिंग। डायमंड ने रीमा यानी प्रेम सारो से, रीमा ने तो वो रखती नहीं थी रीमा ने हूँ, पर हगाई करी ने तई ने जो या डांडिया राइस में जोड़ी सरस सरस लागे से, डिस्को करता था तो बहुत सरस लगता था मैं जोई।
डायमंड रीमा को सिखा रहा था करके, तो ऐसा कर ऐसे स्टेप्स कर करके, तो ऐसे समझ में आता है करके, दोनों ऐसा मतलब सपोर्टिव एक दूसरे को करके, इसके लिए अच्छा हमेशा कार में बिठाया, वी वेंट वेरी फार फ्रॉम हियर एंड देन वी, मैंने रीमा को मैं पहले से जानती थी, मतलब कॉलेज में हम लोग सब लोग साथ में ही थे, तो एंगेजमेंट का जब भी उन लोगों का फिक्स हुआ तभी बोले करके उसके साथ फिक्स हो गया है, वो पता था कि उसका अफेयर है करके, ये वो मतलब इतना पता नहीं था कि वो शादी तक जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि एक एज में होता है ना अफेयर्स तो होते रहते हैं। अच्छा भी लगा, गुस्सा भी आया थोड़ा, कुछ बताया नहीं करके, भाई आपके एक बहन को नहीं बताया करके, थोड़ा गुस्सा भी आया, खुशी भी हुई, शॉकिंग भी लगा। टाइम वाज 8:30 देयर वाज द एग्जैक्ट प्लेस इन जमातखाना में हम लोग खड़े थे, उसकी फ्रेंड आई के डायमंड, मैं हाँ हाँ बोल, उस रीमा ने जवाब दिया कुछ सोच चीजें के नहीं, काम करती हूँ मैं आपको कल बोलती हूँ, नहीं अभी बोल, नहीं अभी सब लोग यहाँ पे जमात करने में कुछ सुन लेगा, मैं सुनने दे, नॉट अ प्रॉब्लम बोल, ओके शी सेड कि उसका जवाब हाँ, एंड देन रीमा स्टैंडिंग ओवर देयर वेट एट मी लाइक दैट। दुल्हन तो मैचिंग दूल्हा रे, है साड़ी अखा दे तारे। रीमा एक कहाँ से शुरू करूँ ये नहीं पता, बट फ्रैंकली अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँ, अ गर्ल विद अ गोल्डन हार्ट, अ मैन कैन गेट। अगाड़े संग शहनाई शहनाई पी पी बाजे रे, मुहल्ले सज गए ने सज गए ने सज गए ने चौबारे। सरप्राइज लाइक मेरी शादी मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज, बिकॉज आई नेवर थॉट कि मैं और रीमा कभी एक हो पाएंगे। टायर्डनेस जो था वो आज के एक्साइटमेंट में सब दब गया। आई एम टुडे आई एम ओनली एक्साइटेड, नॉट नर्वस, नॉट टायर्ड। First time when we met was 5th September. I was, as I said before, she was my junior in the college. So seniors को ये मौका मिलता है कि वो अपने juniors के time पे सिर्फ 5th September या teachers day, so अपने like lower classes में जाके कुछ पढ़ाए. So that is how I met her. I was in her class. One of her friend, उसने मुझे introduce करवाया था रीमा से. Okay, this is Reema. She just shifted from Hyderabad. And she is of your caste as well. So I was surprised ke yaar yaar ye mere caste ki hai, I never saw you in Jamaat Khana, the place where we is a Jamaat Khana. Okay, so I've just shifted from there, from Hyderabad. Okay, and then we started talking, thoda bahut hum log baat karte the, then I approached her. Rang bikhra bikhra sab nikhra nikhra jaye jidhar jidhar ye naina, mujhe khud pe naaz hua pagla aaj raha apne hi bas hu main na. नाउ जब मेरी जो फैमिली है ना, जिस तरह मुझे देखती है उसी तरह वो रीमा को देखती है, क्योंकि आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन, सो वो उस तरीके से ही उसको एक्सपेक्ट करती है रीमा को। सो सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा था कि नहीं रीमा यार पता नहीं क्या होगा, बट टच वुड शी इज एडजस्ट वेरी वेल, वो सबको अच्छे से समझती है,
ठीक है, मॉम डैड के साथ में भी अच्छे से रहती है, ओके, शी हैंडल्स फैमिली एज वेल। अब कैसा है ना कि जब शादी हो जाती है ना तो एवरीबडी स्टार्ट्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल, एवरीवन, नॉट अ सिंगल पर्सन। एंड आई व्हेन आई सी हर, व्हेन आई सी हर, आई फील लाइक कि वो सब कुछ संभाल लेगी। जो छोटी छोटी बातें भी होती हैं ना तो मुझे बता देती है। इवन मुझे अभी ये भी पता है कि उसके घर में फंक्शन क्या होने वाला है, वो लोग मेरे जूते कब छुपाने वाले हैं। साढ़े दस पौने ग्यारह बजे हो गए, दैट वॉज रिसेस टाइम इन द कॉलेज। आई मेट हर इन हर क्लास एंड देन जब मैं उसको मिलने गया, आई वॉज लाइक द मोस्ट पॉपुलर बॉय इन द कॉलेज, क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा था इन डायमंड, सो लाइक एवरीबडी इज टू नो मी, एवरी वन इज टू नो मी। एंड आई वॉज काइंड ऑफ लाइक नो कि बहुत सारी लड़कियाँ मुझ पर वो टाइम पे आती थी, मेरी जो जूनियर्स थी, आई वॉज इन ट्वेल्थ एंड जो जूनियर्स थे वो नेचुरली अगर तुम देखो तो सीनियर्स से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारी लड़कियां थी जो नो मेरे पीछे थी एंड ऑल एंड ऑल। सो जैसे ही मैं रीमा से मिलने गया उसके क्लास में, एवरीबडी केम टू नो दैट दिस गाइज अ कैरी ऑन। एंड बात कॉलेज में ऐसे फैली कि नेक्स्ट डे मेरे एक प्रोफेसर, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आके पूछा क्या रे अफेयर हो गया तेरा साथ में। तो सर क्या बोल रहे हो आप, आपको कैसे पता, बोलते पूरे कॉलेज को मालूम पड़ गया। तो विद इन अ स्पैन टाइम ऑफ 24 आवर्स द एंटायर क्राउड इन द कॉलेज वॉज नोइंग दैट आई वॉज हैविंग एन अफेयर विद यू। Come on, come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say, we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been, oh yeah. We give, we take, we mend, we break, and so this cycle goes. We're doing well, we've been through hell, only heaven knows how far we get to. Thank God I met you though. And if you don't know, diamond bolega no, diamond nahi kohinoor hai. Diamond to bahut sare bole ke kohinoor to ek hi hira hota hai na, usme diamond hai, samjhe. Hum log kahin diamond ko leke jaate hai na to diamond ka kitna naam enter kar, par diamond diamond naam hota hai kya? Ye hamara diamond hai. Diamond naam mere ko bahut pasand tha, मतलब ऐसा कोई एक गांव पूरा वसे गांव में किसका भी नाम डायमंड नहीं था। मैं एक्चुअली गुजरात में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा वहाँ पे कुछ एजुकेशन खास नहीं रहा है, तो जो एजुकेशन की जो कसर थी वो डायमंड ने मुझे पूरी कर दी है। कोई नहीं कर सकता, डायमंड कर सकता, सो इज अ जेम। फाइनली निकाह डन, अब शादी वाली फीलिंग आ रही है, फाइनली हस्बैंड एंड वाइफ। रीमा यू आर लुकिंग फैबुलस, यू आर लुकिंग हॉट। मेरी हर मनमानी बस तुम तक। जब रीमा कॉलेज जा रही थी ना, तो एक बार मैं उसको जमात खाने के पास मिला, ओके, मैं शायद कुछ काम से जा रहा था उस वक्त, मुझे याद नहीं। एंड देन मैंने उसके लिए थोड़े दिन पहले एक छोटी सी रिंग खरीदी, ओके, एंड उस वक्त हमारे कुछ रिलेशनशिप को शायद एक या डेढ़ साल हुआ था। तो मैंने रीमा को बोला, रीमा तेरा हाथ दे,
गिव मी योर हैंड, ओके। उसने मुझे अपना हाथ दिया एंड मैंने बोला कि ये रिंग है, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। तो आई वॉज पुटिंग इट इन टू सम अदर फिंगर। उसने बोला कि देखो डायमंड, ये जो सगाई वाली जो फिंगर होती है ना, ये फिंगर होती है, उसमें डालो। सो उस वक्त मैंने उस फिंगर के अंदर वो रिंग डाली उसके लिए। शी वॉज वेरी सरप्राइज कि आप अचानक से मेरे लिए रिंग लेके आए, ओके। एंड देन आई सेड कि देखो रीमा, अभी अपनी सगाई हो चुकी है, नाउ ओनली शादी बाकी है, वर्ल्ड कप कर दी। सो शी स्टार्टेड लाफिंग एंड वो इतनी खुश हो गई थी ना कि चलो डायमंड आज ही भाग जाते। मेरी नजर दीवानी बस तू था, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तू था, तू था, तू था, सोने यार तू था, तू था, तू था, सोने यार तू तक, तू तक अर्जी मेरी फिर आगे जो मर्जी, तू तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। लड़के को जो लड़की पसंद है अगर उसी के साथ उसकी शादी की जाए तो उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से आगे निकल सकती है। Come on, come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say, we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been, oh yeah. We give, we take, we mend, we break, and so this cycle goes. We're doing well, we've been through hell, only heaven knows how far we get to. Thank God I met you though. And if you don't know, friend bane, हाँ, and then एक ही कॉलोनी में रहते थे और वहाँ से बातचीत चालू हुई, and then the parent, I think so रीमा के पेपर थे, so TY के एग्जाम थे, हम सुपरवाइजर के लिए गए, वैसे बहुत कॉपी करने दिया उसको, so I just remember that, I think so गुजराती कॉलेज में था और ये सीनियर था उसका, और उस दिन उसको उसने हेल्प किया, तो आई थिंक सो उसने ग्रेजुएशन उसके वजह से किया। हीरो हीरोइन के पीछे पड़ा था, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बट स्टिल दे मैनेज टू गेट थ्रू। जस्ट पुट योर हैंड ऑन माय हार्ट, पुट योर हैंड ऑन माय हार्ट, एंड आई डोंट हैव टू से इट, एंड आई डोंट हैव टू फेक इट, जस्ट पुट योर हैंड ऑन माय हार्ट। Come on, 'cause you're the one that I want for myself. The strength you give, I wanna live inside our little shell. Nothing comes close to, nothing supposed to, yeah. You have your doubts the same way I do. When you're absent in my
my love, that's the truth. Just put your hand on my heart, put your hand on my heart. And I don't have to say it, yeah. And I don't have to fake it, yeah. Just put your hand on my heart, put your hand on my heart. You know. When you don't feel that you're strong enough to make it, when I teach you hard, you don't think you can take it. When you don't know where you stand, you're close to breaking. Just put your hand on my heart, put your hand on my heart. They're really very nice. I mean, I feel they're really beautiful couple. Bas, Allah Taala un dono ko khub khush rakhe. So putra bhava. I wish him all the best for his life. Sada swagan raho. Ki jode zindagi ke chhle dam tak salamat rahe. Puto na ho, duto bolo. Duto bolo. Duto bolo. Dood se bolo. Aur mote bano. I wish that God gives him everything he wants. We wish you a very happy marriage night. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसा हुआ जो जाएगा वो मुकाते काशी कंदर, वो मुकाते काशी कंदर, जाने मन कहलाएगा. रोते हुए आते हैं सब, हंसा हुआ जो जाएगा वो सिकंदर. क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां. जो सितारों पर था भानी प्यार की को बहुत सारी मुबारकबाद पेश करते हैं.